गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई नई रीडिंग्स लेकर आता हूं, तो आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे कि आपके पार्टनर जिन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन की एनर्जी दी हुई है, वो आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचते हैं, वापिस आपके पास आना चाहते हैं, वापिस आपके रीयूनियन करना चाहते हैं, या अभी भी आपको वेटिंग एनर्जी में रखना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। उनका अगर थर्ड पार्टी में भी वो है तो उनका वहां से पीछा छूटा है या नहीं छूटा है, आपके बारे में क्या थॉट रखते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या थॉट रखते हैं, क्या इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे, या जो उन्होंने आप कमिटमेंट्स कर रखे हैं वो कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में और आपके इस रिलेशनशिप के बारे में। जब तक मैं कार्ड शफल करता हूं तब तक अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, और जो भी आप क्वेश्चन डिवाइन पावर या यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं ना, तो वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए और समझिए, जो क्वेश्चन आप मन में लेकर आएंगे ना उसको बहुत ध्यान से ध्यान लगाकर उन्हें क्वेश्चन को मन में लेकर आइएगा, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो पाए। ओके, लेट्स शफल द कार्ड्स। 8 पॉइंट बाबा है यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की एनर्जी बताइए, जो ताकि उन्हें पता लगे जो भी उनके पार्टनर के मन में उनके लिए है, इस रिलेशनशिप के बारे में जो भी वो सोचते हैं, सब चीजों की उन्हें क्लैरिटी मिल पाए। ओके, फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड, थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, द स्ट्रेंथ, 9 of Swords एंड 4 of Wands। ओके, यहां पर अगर हम बात करूं, अगर हम स्टार्टिंग करें द स्ट्रेंथ कार्ड से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेंथ कार्ड रहेगा, और साथ में अगर बात करें यहां पे आपका किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहां पे है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं जानते क्या लगता है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी हो सकता है कि वो पर्सन ना एक बहुत अनमेच्योर पर्सन हो सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में कुछ एज डिफरेंस हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ना आपकी एनर्जी बहुत मेच्योर दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में कुछ एज डिफरेंस हो सकता है, या पॉसिबल है कि आप एक हो सकता है कि आप एक मैरिड हो और आपका जो पार्टनर हो वो सिंगल हो सकते हैं, ठीक है, लाइक वो भी रिलेशनशिप में नहीं है, मैरिज नहीं हुई है, सिंगल पर्सनालिटी है वो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। और मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है कि आपने ना इस पर्सन के लिए ना, आप जब तक इनके साथ रिलेशनशिप में थे ना, आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ मतलब कि आपने हर चीज ना लिमिट से बाहर जाके किया आपने इस इंसान के लिए, इस इंसान को केयर बहुत करी आपने, इस इंसान को जैसे कहते हैं ना प्यार बहुत ज्यादा आपने इस इंसान को दिया है, मतलब कि जैसे कहते हैं ना लिमिटलेस, आपने इसे हर चीज लिमिटलेस दिया आपने, समझो इसको अनकंडीशनल लव आपने इसको दिया है, ठीक है। लेकिन यदि आपके यहाँ पर्सन की एनर्जी बताऊं तो इस पर्सन ने ना आपको वेट बहुत कराया है। वेट किस पर्पज से, मतलब क्योंकि इस इंसान के अंदर ना, इसे कह सकते हो कि इस इंसान के अंदर ना ईगो बहुत ज्यादा है, ईगो डोमिनेटिंग नेचर ये बहुत ज्यादा मेरे को इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। वो होता है ना कि जब आप किसी इंसान को एक अनकंडीशनल लव देते हैं तो सामने वाला पर्सन ना सिर चढ़ के बैठ जाता है, इसे कहते हैं ना, उसको सामने वाले पर्सन की वैल्यू नजर नहीं आती, वो सामने वाले पर्सन को एक फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। और सेम चीज ना मुझे यहाँ पे आपके साथ होती भी दिखाई दे रही, क्योंकि इस इंसान के अंदर जो ईगो है, इस इंसान ने ना आपको इस रिलेशनशिप में ईगो बहुत दिखाई, ईगो हो गया, एटीट्यूड हो गया, ये बहुत ज्यादा इस इंसान ने आपको शो किया है। और कहीं ना कहीं आपको ना, समझो कि स्टार्टिंग की बात करें तो अगर आपके स्टार्ट आपका रिलेशनशिप जैसे स्टार्ट हुआ था तो आपको इसने स्टार्टिंग में प्रायोरिटी बहुत दी। एक होता है ना कि यहाँ पे हर चीज में आपके बारे में पूछना, आपके हर छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना, आपको हर एक चीज आपकी ध्यान रखना, आपने खाना खाया नहीं खाया, आपने हर चीज का टोटली A to Z चीजों उसने स्टार्टिंग में ध्यान रखा। लेकिन जैसे जैसे आपका एक टाइम पीरियड निकलता चला गया ना रिलेशनशिप का, तब से ना इस इंसान ने आपको प्रायोरिटी देना बंद कर दिया,
इसके लिए हर चीज प्राइमरी सेक्शन पे आ गई, लेकिन आपको इसने हमेशा सेकेंडरी रखा। फैमिली को अगर बात करो, इसने फैमिली को सबसे पहले रखा अपने, आपको सेकेंडरी कर दिया। अपने फ्रेंड्स को प्राइमरी उसमें ऑप्शन में रखा, आपको फिर सेकेंडरी कर दिया। मतलब कि हर चीज इनके लिए जरूरी थी, सिर्फ बजाय आपके। इन्होंने आपको इस तरीके से मतलब जिसे कहते ना परेशान करना, फीलिंग्स की रेस्पेक्ट नहीं करना, आपकी फीलिंग्स से खेलना, ये इसका बहुत टाइम से सेम रवैया चल रहा था इसका। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक सिंपल एक एडवाइस देना चाहूंगा कि प्यार करो, प्यार करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को भी ना इतना अंधा प्यार मत करो कि वो आपके इमोशन से आपकी फीलिंग से आपने खेलना शुरू कर दे। क्योंकि होता है ना कि प्यार में ना हमेशा एक इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, ठीक है। और मुझे ना आपके इस रिलेशनशिप में ना सिर्फ यही चीज मिसिंग लग रही है कि आपके इस रिलेशनशिप में ना कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। इस इंसान ने आपको कोई वैल्यू या आपकी वर्थ नहीं समझी इस इंसान ने, जिस कारण आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि इस इंसान ने आपके फीलिंग्स से खेला है, आपके इमोशंस के साथ खेला है। आपने आपको जो कमिटमेंट दिया, कमिटमेंट तो पूरा करने की बात तो बहुत दूर की बात है, ये इंसान आपकी प्रॉपर रेस्पेक्ट भी नहीं करता, इस वे में आपका रिलेशन चल रहा था ये वाला। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपकी बात करूं, मुझे आपकी एनर्जी जो दिखाई दे रही है ना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत ज्यादा साइलेंस हो गए हो, ठीक है। आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग किया है, अपने आप से आपने अपने आप को पुल किया है कहीं ना कहीं, ठीक है। बहुत स्ट्रांगनेस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। और ये इंसान ना आपको दूर से, अगर आपको कई बार होता है कि आमना सामना हो जाता है, तो ये इंसान ना आपको इंटरनली ना बहुत ज्यादा खूबसूरत या ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो आप। इस इंसान जैसे कहते हैं ना ग्रास इज ग्रीन, उसको हर चीज दिखाई दे रही है कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप पहले से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हो। आपने अपने आप पे बहुत वर्क किया है, आपने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत चेंज करा है, ठीक है। और जो आपके अंदर एक अलग सी जो स्ट्रेंथ या कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है ना, जो चेंज आपके अंदर आया है ना, इस चेंज से ना आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपके जो अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इंसान ना आपकी अपीरियंस से ज्यादा ना आपके इंटेलिजेंस पे या हो सकता है जो आपने स्ट्रेंथ शो कर रहे हो ना आप दुनिया को, कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में कोई आए या जाए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आपका रिलेशनशिप ना कि पब्लिक रिलेशनशिप था, कि दुनिया को पता था आपके इस रिलेशनशिप के बारे में, जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल्स हो गए या फिर नजदीकी लोग हो गए, उन सबको पता था कि आप दोनों एक सेम रिलेशनशिप, इस एक बहुत पुराने रिलेशनशिप में, एक बहुत बॉन्डेड रिलेशनशिप में है। लेकिन जब से आपका ब्रेकअप हुआ है ना, जब से आपके पार्टनर को नो क्वांटिटी कंडीशन डाली है ना, हर एक को पता है। और आपने उनके सामने ना अपने आपको एक जिसे कहते हैं स्ट्रेंथफुल, स्ट्रेंथ वाला बंदा आपने अपने आपको शो कर रखे, जैसे आपको किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता। आप अपने आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं लोगों के सामने जैसे आप मूव ऑन कर चुके हो अपने हर चीज से। और कहीं ना कहीं ज्यादा जानते हैं कि आपने अपने आप पे जो वर्क करना शुरू करा ना, इस चीज से ना आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, ठीक है ना। जिसे कहते हैं ना एक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल, मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर आप ये सब चीज देख के ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। और जानते हैं आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, आपने दिखाई है ना, अपने स्ट्रेंथ हो गया, अपने इंटेलिजेंस हो गया, और जिसे कहते हैं कि हाँ अपने अपने अंदर चेंजेस लेकर आए हो, उसे आपके पार्टनर क्या लगता था कि आप टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। और जो आपने एक अपना इंडिपेंडेंट आपने अपना चेहरा दिखाया है ना दुनिया के सामने कि आप अपने आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि देखो क्या होता है, जब आपका रिलेशनशिप ऐसा का साल दो साल का रिलेशनशिप नहीं है आपका, आपका रिलेशनशिप कई सालों से चल रहा था, ठीक है ना। और दुनिया क्या रखता था कि आप टोटली इस इंसान के ऊपर डिपेंड हो चुके हो, क्योंकि आपका झुकाव इस इंसान की तरफ बहुत ज्यादा था। जैसे कहते हैं ना कि अनकंडीशनल लव करना, अगर वो कोई गलत काम भी करता था, अगर किसी ने आपको बता भी दिया ना कि आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ गलत काम किया, आप उसके ऊपर फेथ ही नहीं करते थे, आपको लगता था ये झूठ बोल रहा है, आपके पार्टनर सच है, आपने इस तरीके से उसके ऊपर ना एक ब्लाइंड फेथ कर रखा था। तो दुनिया क्या रखता था कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हो और ये इंसान आपका फायदा उठा रहा है। दुनिया को चीज दिखाई दे रही थी लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि आप इस इंसान के ऊपर ना बिल्कुल कहते हैं ना अंधविश्वास करना, ब्लाइंड फेथ करना, आप वो करते थे। लेकिन यदि मैं आपके पार्टनर की अभी करंट एनर्जी देखू ना, तो मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा कहते हैं ना अकेलापन फील करना, वो चीज मुझे को दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अपने आपको अकेलापन फील कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज्यादा बदल चुके हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, आपके बिहेवियर में चेंजेस नजर आ रहे हैं ना, उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा दुख में है कि वो आप तक अप्रोच कैसे करें,
जब भी उनके मन में कोई आपके लिए बात आती है ना कि आपको अप्रोच करेंगे, जानते हैं उनके मन में एक चीज है जो उसको रोक लेती है बार बार। उसको लगता है कि यदि वो आपको अप्रोच करेगा ना, तो आप उसे अब समझ नहीं पाओगे, आप उसे सुनना पसंद नहीं करोगे। ऑब्वियसली बात है, जब कोई इंसान किसी को इतना बड़ा धोखा देगा, ठीक है, उसके साथ विश्वासघात करेगा, उसके इमोशन साथ खेलेगा, तो उसे क्यों सुनना पसंद करेगा। तो इस चीज को लेकर कहीं ना वो बंदा रुक जाता है, बार बार आपको अप्रोच नहीं कर पाता। यदि मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी की बात करूँ ना, तो मुझे कहने की आपके अंदर बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई कि आपने ना अब उस इंसान के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। आपका फोकस ही बिल्कुल बदल चुका है। अब आप अपने ऊपर फोकस दे रहे हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अपनी फैमिली पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है, अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। कहने के मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना एक ये कहते हैं ना बिल्कुल फिटनेस फ्रीक हो जाना, फिटनेस फ्रीक हो गए हो आपने बिल्कुल। जिसे कहते हैं ना अपना फ्रस्ट्रेशन, कई लोग क्या करते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जिम जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपना फ्रस्ट्रेशन अब पूरा प्रॉपर तरीके से निकाल दिया है। आप फिटनेस फ्रीक हो गए बहुत ज्यादा, कि जिस कारण से नहीं जानते कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी, बिल्कुल चेंज पर्सनैलिटी आपके साथ आपकी दुनिया के सामने आई है, कि दुनिया वाले खुद देख के हैरान है कि आपके अंदर इतना बड़ा चेंज आ कैसे गया, जबकि दुनिया आपको उसके ऊपर पूरा टोटली डिपेंडेंट सोचती थी। आपने अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट शो करा है दुनिया के सामने, कि दुनिया आपके अंदर जो चेंज आपके अंदर आया है ना, वो देख के बहुत ज्यादा हैरान है। ठीक है, हो सकता है अगर बात करूं आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर ना इस तरह इतने, जिसे कहते हैं, इतने डेस्परेशन में है आपसे बात करने के, कि उनसे रहा नहीं जा रहा है कि आपसे बात बगैर किए बगैर रह ले वो। क्योंकि मेरे पास समझो यहाँ पे जो कार्ड निकला ना, फोर ऑफ वैंड की एनर्जी निकली है, साथ में यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, कहीं कहने को मुझे ऐसे शो करता है ये इंसान ना आपको लेके बहुत ज्यादा लंबी, जिसे कहते हैं ना प्लानिंग करना, कि ये आपके बारे में डे ड्रीमिंग करना, वो सोचते हैं क्या सब कुछ। अगर मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला होता कि मैं पास्ट को वापस से लाकर सब कुछ मैं सही कर पाता, तो काश मैं कर पाता। तो उनके अंदर ये सब चीज आ रही है कि आपके साथ फिर से वापस रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ जो भी उन्होंने किया वो सब कुछ सारी चीज ठीक करना चाहते हैं। जानते हैं वो आपके पास आने की सोचते तो है, लेकिन उनके अंदर क्या है कि उनको ये लगता है कि आप वो अगर आपके पास आते हैं तो कहीं आप उन्हें डांट ना दो, धमका ना दो, उनकी इंसल्ट ना कर दो, ठीक है। क्योंकि उन्हें कहीं, मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मुझे इगोस्टिक दिखाई देते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आपने उनकी इंसल्ट कर दी ना, वो चीज उनकी कहने की ईगो के ऊपर आ जाएगी और वो चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसी कारण से आपके पास वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कहीं ना कहीं ना अपने, अगर उनकी फीलिंग की बात करूँ ना आपके पार्टनर की, तो कहीं ना कहीं मुझे चीज दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अपने आपको अकेलापन में डाल रखा है, वो डिप्रेशन की एनर्जी में है। सब कुछ होते हुए भी उनके दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब समझो क्योंकि क्या है कि पहले जब आप उनके साथ थे ना, आप अपने साथ आपके साथ सारे अपने खुशी सारे गम सब चीज बांट लिया करते थे, वो हर एक तरीके से आपके साथ खुश थे, आप उनका हर जगह सपोर्ट करते थे, हर जगह उनको, जिसे कहते हैं ना, हर जगह स्टैंड लेना अपने पार्टनर के लिए, आपने वो चीज उसके साथ करी है। अब लेकिन जब आप उसके साथ नहीं हो, तो वो उनके कहने का एहसास होता है कि अब वो एडवाइस किससे लेंगे, अपने सुख दुख किसके साथ बांटेंगे। तो इस चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं वो। सब कुछ होते भी आप दोनों के बीच में ना, मनी दोनों के मन में प्यार है, लेकिन दोनों के बीच में एक दूरियां हैं, समझ रहे हो। दूरियां भी कैसे, एक थॉट्स को लेकर दूरियां हैं बहुत ज्यादा, कि हाँ उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, आप सोचते हो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। दोनों के मन में सिर्फ कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सिर्फ अपने मन में क्वेश्चन किए जा रहे हैं, अपने मन में आंसर दिए जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे तक पहुंचने की कोई, समझो कि कोई वही नहीं है, कोई दूसरा इंसान किसी की तरफ पहुंच ही नहीं पा रहा है। आप अपने पार्टनर को ज्यादा भाव नहीं दे रहे, वो आपका बात नहीं, आप उससे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उसने आपके साथ ऐसा कर रहा है। और वो आपसे बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि आप कहीं ना कहीं उसके सामने एग्रेशन ना दिखाओ या गुस्सा ना करो या डांटो ना, कहने को उस चीज के लिए कि वो आपको आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। यदि मैं यहाँ पे पास्ट की बात करूं ना, तो पास्ट में ना आपने इस इंसान के साथ ना बहुत कुछ झेला, जैसे कहते हैं ना बहुत कुछ सहना, आपने वो एनर्जी झेली है कि किसी आप मैं तो कह रहा हिम्मत है कि आपने ये सब चीज झेल कैसे लिया, कि जब इंसान इतना डोमिनेटिंग हो जाता है, इतना कंट्रोलिंग हो जाता है, तो उस इंसान को झेलना बहुत मुश्किल होता है। बट आपने शुरुआत से ही ना बहुत ज्यादा झेला है इस इंसान को, बहुत सारी चीजों को आपने से आप इसकी बहुत सारी चीजों को आपने नजरअंदाज किया है, बहुत सारी चीजों को आपने इग्नोर किया है, लेकिन फिर भी आप इस रिलेशनशिप में आप बने रहे हो। कहीं ना कहीं जानते हैं आपका पास्ट की बात करूं तो आपका पास्ट ना कोई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं था, और जो भी आप आज हो ना, आपने किसी से कोई सपोर्ट नहीं लिया, किसी ने आपका स्टैंड नहीं लिया,
आज जो भी कुछ आप हो ना, सारा सारा टोटली अवेलेबल बूते पर हो, ठीक है। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, ठीक है ना। और इन सब चीजों को ना आपके पर्सन ना आपको ये सब चीज जानते हैं कि आपने जो भी अचीव करा ना अपनी लाइफ में, अब उनके जाने के बाद सब चीज आपने अपने बलबूते पे करी है, उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी है। वो चाहते हैं फिर से आपके साथ अटैच होना, लेकिन कई चीजें आप दोनों के बीच में ना यूनिवर्स की तरफ से अभी कोई ना कोई ऑब्स्टेकल मेरे को दिखाई दे रहा है कि अभी कोई ना कोई ऑब्स्टेकल है जिस कारण आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो। यदि मैं आपके पार्टनर की बात करूँ ना कहीं चीज ऐसी है आपके पार्टनर के अंदर ना जो कि वो चीज चेंज नहीं हो पा रही आज, जिसे कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बट बल नहीं गया। तो आज भी आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हैं कि जो वो चीज चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। जैसे कि आपका सबसे पहले चीज ईगो, एटीट्यूड, डोमिनेटिंग नेचर, भले वो आपको कितना मर्जी मिस करते हो, कितना मर्जी वो करते हो, लेकिन आपके पास जो आ नहीं रहे ना, जो उनको डर है कि यहाँ पे उनकी ईगो हर्ट ना हो जाए, लेकिन आज भी उनकी ईगो उनके आड़े आके बैठी हुई है कि अगर आपने कुछ बोल दिया तो उनकी फिर ईगो हर्ट हो जाएगी, फिर चीजें बिगड़ जाएंगी। भाई अगर प्यार करते हैं तो प्यार में ईगो कहाँ से आ गई, पहली चीज तो ये होती है। जो बंदा प्यार करता है ना, प्यार में कभी ईगो नहीं आती उसके। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना आपको कई बार ये चीज लिखते हैं कि फोर बहुत ज्यादा फोर ग्रांटेड अभी भी लेते हैं। लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको, जिस तरीके से मुझे आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए डेस्परेशन दिखाई दे रही है ना, तो मुझे ऐसे दिखाई देता है कि ना बहुत जल्द हो सकता है आपके सामने तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्हें आपसे आप कहीं ना कहीं डर भी है कि कहीं आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन ना कर गए हो, कहीं आपने उसकी जगह किसी और को ना दे दी हो, तो इसी चीज का डर भी है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, कि आपके पार्टनर का आपके पास कॉल आ सकता है, ठीक है ना। और मैं बताऊं आपको, कॉल भी जानते हैं आपके पार्टनर का कब आएगा आपके पास, जब आपका फोकस उस इंसान से बिल्कुल हट चुका होगा, आप टोटली अपने ऊपर ध्यान दे रहे होंगे, अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे होंगे, अपने करियर अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे होंगे, तब उस इंसान का कॉल आएगा आपको, बिल्कुल जिसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड कॉल। और जानते हैं, नोट माय वर्ड्स, ये मेरे वर्ड्स ध्यान कर लेना कि अब जब आपकी मीटिंग होगी ना, वो यूनिवर्स के द्वारा डिसाइड करके मीटिंग होगी, जिसे आप दोनों टाल ही नहीं पाओगे, भले एक दूसरे के मन में कितना ही एक दूसरे के लिए जहर हो, एक दूसरे के लिए कितने ईर्ष्या हो, ठीक है, सब कुछ साइड में धरा रह जाएगा, लेकिन जब मीटिंग होगी ना आपकी, एक यूनिवर्सल मीटिंग रहेगी, जैसे कहते हैं यूनिवर्स द्वारा सेट की गई मीटिंग, और वो मीटिंग आपकी इतनी सक्सेस रहेगी कि आप दोनों ना एक दूसरे की तरफ फिर से अट्रैक्ट हो गए और फिर से एक दूसरे से रिलेशनशिप में आओगे। क्योंकि मुझे कहने के दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का जो एक वो है ना, एक रिलेशन है, इट्स नॉट ए कार्मिक रिलेशनशिप, वी कैन से ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन, और ट्विन फ्लेम सोलमेट से कोई अलग नहीं कर सकता कैसे भी करके, आप दोनों मिलोगे और हर हाल में मिलोगे, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको आप रेजोनेट अपने से क्लेम करना चाहेंगे, क्लेम करने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर लिख सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।